नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज अपने गार्डन की संडे अपडेट देने जा रहा हूँ, गार्डन ओवरव्यू। तो मेरे गार्डन में खिले हुए फ्लावर्स आपको दिखाऊंगा, मेरे प्लांट की कंडीशन आपको दिखाऊंगा, और थोड़ी बहुत हो सकेगा तो विंटर की केयर भी बताता जाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हमने ये अडेनियम प्लांट से की है। तो मेरे यहाँ लगभग सारे अडेनियम इस टाइम ब्लूमिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और नई नई कलियाँ भी बना रहे। तो मेरे जितने भी प्लांट हैं जो मैंने रखे हैं, वो जिनको लगभग दिन की 5-6 घंटे की धूप मिलती है सारे प्लांट में। ये देखिए, यहाँ से एक कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। रिपोर्ट किया लगभग 2-3 महीना हुआ है, और कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ पे और प्लांट है सब में, देखिए यहाँ पे कलियाँ बन रही है नई नई। और ये वाला जो प्लांट है, ये वाला प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। मैं एक प्लांट नर्सरी से लेके आया था, और उसके बाद जितने भी प्लांट हैं मैंने तैयार किए, सब सीड से ग्रो किए। लगभग 2-2.5 साल की मेहनत का ये मुझे फल मिला है। तो ये देखिए, ये प्लांट की कटिंग मैंने लगाई थी, मैं लेके आया थी, जैसे ये अलग वाली फ्लावर है। यहाँ पे एक ग्राफ्टेड में है, देखिए अब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो गई, तो दूसरी नई कलियाँ इसमें से बन रही है। यहाँ पे एक ब्रांच पे कलियाँ आ रही है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए ये वाला, ये सब प्लांट ग्राफ्टेड वाले मैंने खुद ग्राफ्ट किए। मैं 2 ही प्लांट नर्सरी से लेके आया था, उससे मैंने आज लगभग 10-12 प्लांट बना लिए हैं। अभी फरवरी में और भी ग्राफ्ट करूँगा, तो मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। पहले भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया, इस बार देखिए ये वाला एक प्लांट मैं नर्सरी से लेके आया था, और ये देखिए ये छोटे से प्लांट में, इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे लगभग सभी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, जो ग्राफ्टेड वाले हैं उनमें भी, और देसी वाले में कुछ 2-3 प्लांट में नहीं हो रही, बाकी सभी प्लांट में। ये देखिए इन सब में कितने अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, एकदम रोज़ की तरह दिख रहे हैं ना। यहाँ पे एक और कलर है, मेरे पास लगभग 3-4 कलर हो गए। यहाँ पे कलांचोय है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट है। यहाँ पे गुलदावरी, जो एक बार फ्लावरिंग ख़त्म हो गई इसकी, तो फ्लावर मैंने कट कर दिए। यहाँ पे एक और गुलदावरी है, इनके भी जब फ्लावर ख़त्म हो जाएगा मैं तोड़ दूँगा, ताकि नए फ्लावर और दूसरी बार आ सके। यहाँ पे कलांचोय है, इनमें भी काफ़ी टाइम से फ्लावरिंग हो रही, लगभग 1 महीना तो होने आ गया। यहाँ पे ये भी मैंने सीड से लगाया हुआ प्लांट है, इनमें देखिए एक अलग कलर खिला है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया हुआ है, इनमें भी देखिए लगभग मेरे सभी प्लांट में आप देख सकते हो फ्लावरिंग हो रही है। यहाँ पे इस बाजू मेरा पेंसिल कैक्टस रखा है, साथ में ये ट्रायंगल हार्ट वाइन है, और इस तरफ ट्रायंगल हार्ट और साथ में टर्टल वाइन भी लगी हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये टाइम ग्रो कर रही है। यहाँ पे मदर ऑफ 1000 है, ये जेड प्लांट, और पीछे की तरफ मेरे स्नेक प्लांट पड़े हैं। इस तरफ एक और मदर ऑफ 1000 का प्लांट है, ये देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है, ये स्नेक प्लांट, इनमें देखिए नए नए पॉप्स निकलना स्टार्ट हो गए। इसकी रिपोर्टिंग का ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, लगभग 1-1.5 महीना हुआ होगा, मैंने वीडियो आपके साथ इसकी भी शेयर की थी। यहाँ पे मेरा इसी वाला कलांचोय है, इनमें भी देखिए बर्ड्स बन रही है, और कुछ कलांचोय एक थोड़े ख़राब हुए थे तो उनकी कटिंग मैंने लगाई थी, तो उनकी कटिंग भी यहाँ लग गई है। और ये देखिए यहाँ पे स्पाइडर प्लांट की मैंने हैंगिंग बास्केट जो बनाई थी, मतलब हैंगिंग बास्केट में हैंगिंग चूल्हा बोल सकते हैं इसको, अलग अलग देखिए इस तरह से, तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं।
अब स्पाइडर प्लांट में क्या कीजिए कि रेगुलर टाइम पे जो इसकी पत्तियाँ येलो हो रही है वो निकालते रहिए, और इस प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको एक आध घंटे की छनके धूप मिले तो बहुत अच्छे से चलेगा ये। बाकी इसको शेड वाली एरिया में हमें रखना है। साथ में ट्रायंगल हार्ट भी लगाई थी, देखिए तो कितने अच्छे से फैल गई है पूरी। इस गमले में मैंने प्याज लगाए थे तो देखिए काफ़ी सारे गमलों में लगाए हैं तो उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यहाँ पे मेरे मैरीगोल्ड है, उनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये है कनेर, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये कलर। और साथ में यहाँ पे हिबिस्कस के अंदर भी मैंने प्याज लगाए थे तो ये भी देखिए, यहाँ डेनियम के छोटे छोटे प्लांट है इसमें से, और प्लांट मैंने निकाल के अलग से सेपरेट कर लिए हैं। और यहाँ एक मैंने ये भी ग्राफ्ट किया था तो इनमें भी देखिए अब कलियाँ आ रही है, और ये कटिंग से लगे हुए प्लांट है तो इनमें भी कलियाँ बन रही है। यहाँ पे और मैरीगोल्ड है तो मैरीगोल्ड को आप इस टाइम ग्रो कर सकते हो सीड से और कटिंग से, दोनों तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं। देसी विनका है, और ये पीछे की तरफ मेरे नाग चंपा रखा हुआ है, ये देखिए ये जेट्रोफा है, जेट्रोफा भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। यहाँ मिनिएचर वाला हिबिस्कस है, उनमें भी देखिए आप कलियाँ बनी हुई है। तो अब प्लांट की अच्छे से देखभाल करोगे और अच्छी धूप मिलेगी तो प्लांट आपके फ्लावरिंग करेंगे, सीजनल है वो और परमानेंट दोनों प्लांट। यहाँ मैक्सिकन पिटोनिया है, इनको मैंने कट कर दिया था, एक ब्रांच रहने दी थी, एक दो ब्रांच, बाकी देखिए नीचे से ग्रोथ कर रहे हैं और अब फ्लावरिंग भी धीरे धीरे नीचे स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे एक गुलदावरी और है जो मैंने कटिंग से तैयार की थी, इनमें भी देखिए फ्लावर खिलना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे पिटोनिया है, इसके पीछे गजानिया पड़ा है, तो कुछ इस तरह से मेरे प्लांट चल रहे हैं। तो पिटोनिया के जब फ्लावर सूख जाए तो इसको आप कट करके हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं हटा दे रहा हूँ, इसे तोड़ के पूरे हटा दीजिए ताकि आपका प्लांट अच्छा घना हो जाए और फ्लावरिंग भी करता है। अगर सीड बनेंगे तो आपका प्लांट धीरे धीरे फिर ख़राब होने लगेगा। तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे ये देखिए, और इस तरफ और मैंने प्याज लगाई थी वो भी, और यहाँ पे एक अडेनियम की चोटी बना के रखी है, और यहाँ पीछे नाग चंपा है वो अभी भी ब्लूमिंग कर रहा है। मैं काफ़ी सारा वीडियो में आपके साथ शेयर किया, लगभग ये 4 महीने से इसी तरह ब्लूम कर रहा है, देखिए ये ऊपर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।